हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए प्रीवे संगीत का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक थर्ड कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने भरत की सारणा प्रक्रिया और पंडित शारंगदेव की सारणा पद्धति देखी थी। आज हम ओकाना ठाकुर के श्रुति संबंधी विचार क्या हैं इस पर स्टडी करेंगे। पंडित ओकाना ठाकुर ने अपनी पुस्तक प्रणव भारती में नाद तत्व पर विचार करने के उपरांत श्रुति पर एक विचार पूर्वक विवेचना की है। उनकी श्रुति संबंधी विचारधारा निम्न बिंदुओं पर आधारित है। पहला बिंदु है श्रुति संबंधी विचारधारा का एक ऐतिहासिक क्रम। दूसरा है सारणा क्रिया द्वारा श्रुतियों की सिद्धि एवं उनके असमान अंतराल की सिद्धि। तीसरा बिंदु है आधुनिक क्रिया में श्रुति का स्थान। प्रथम उद्देश्य से उन्होंने भारतीय संगीत के सभी प्रमुख ग्रंथकारों की श्रुति संबंधी धारणा की पूर्ण विवेचना की है और समय समय पर उनकी आलोचना भी की है। पहले उन्होंने ग्रंथकारों के मत दिए हैं, फिर अपने स्वयं के मत इसी ऐतिहासिक श्रृंखला को स्पष्ट करते हुए उन्होंने एक अत्यंत मौलिक बिंदु सामने रखा है और वह है कि मध्यकालीन श्रुति स्वर व्यवस्था। इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि मध्यकाल में उत्तर संगीत पद्धति के प्रवर्तक पंडित अहोबल तथा दक्षिणी संगीत के रामामात्य हैं। दोनों ने ही पूर्ण रूप से भरत की श्रुति व्यवस्था का अनुकरण नहीं किया, परंतु फिर भी दोनों ने परंपरा का आधार लिया। परिणाम स्वरूप श्रुति स्वर व्यवस्था में अंतर आ गया। दोनों ही ग्रंथकारों ने मुक्त नाद को सा मान लिया, जिससे श्रुति स्वर व्यवस्था बिल्कुल अलग हो गई। ये सब समझाते हुए उन्होंने अन्य और भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है। वह है रामामात्य द्वारा प्रतिपादित सप्तक, जो भरत परंपरा से अलग है, परंतु अहोबल का सप्तक डायटोनिक या द्विस्वरक है और उसमें पूर्ण रूप से भरत की परंपरा सुरक्षित है। भरत की सारणा के संबंध में पंडित ओकाना ठाकुर ने स्पष्ट रूप से समझाया है कि प्रमाण श्रुति का माप वही है जो था। इन्होंने सेवर्ट सेंट और गणित अंतराल तीनों का आश्रय लेकर ये पूर्ण रूप से सिद्ध कर दिया है कि पहली व चौथी सारणा का श्रुति माप भिन्न है। इन्होंने प्रणव भारती के पृष्ठ 82 से 84 तक तीनों साधनों को स्पष्ट रूप से समझाया। इसमें उन्होंने गणित अंतराल, सेंट और सेवर तीनों साधनों को भी समझाया है। इस बिंदु पर लिखते समय ओकाना ठाकुर ने पंडित भातखंडे जी की कटु आलोचना की है कि पहली यह है कि भातखंडे जी ने भरत की श्रुतियों को समान कैसे माना। दूसरी आलोचना यह है कि श्रुति स्वर व्यवस्था में मुक्त नाद को सा मान लिया और श्रुतियों की गिनती शून्य से ना करके एक से की है। तीसरी आलोचना यह है कि भातखंडे जी ने शास्त्र में केवल 12 स्वरों की ही चर्चा की, क्योंकि यद्यपि भातखंडे जी का उद्देश्य यही था कि शास्त्र सरल बना रहे और इसी हेतु की प्राप्ति के लिए उन्होंने श्रुति सूक्ष्म क्रिया को शास्त्र में स्थान नहीं दिया। उन्होंने यह कहीं नहीं कहा है कि क्रियात्मक संगीत 12 ही स्वरों पर स्थित है, परंतु ओकाना ठाकुर जी ने इसी बात की आलोचना की है कि भातखंडे जी ने संगीत को बिल्कुल स्थूल बना दिया।
नेक्स्ट बिंदु है, आधुनिक क्रिया को समझाते हुए उन्होंने श्रुति की गणना शून्य से की, शुद्ध सप्तक बिलावल माना और इसका गूढ़ संबंध भरत की परंपरा से जोड़ा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि बिलावल सप्तक का यह रूप न परिचय संभावित है, बिलावल सप्तक का यह रूप न संभावित है और न ही ईरानी संगीत की देन है, बल्कि भरत की परंपरा का ही एक रूप है। इन्होंने शुद्ध उसी सप्तक को माना है जो सहज स्वाभाविक है, और इस धारणा की पुष्टि करते हुए उन्होंने यह भी समझाया कि पधा का अंतराल त्रिश्रुतिक होना चाहिए, चतुर्श्रुतिक नहीं, जैसा कि भातखंडे जी ने माना है। इन्होंने इस सप्तक को मध्यम ग्राम के चौथे स्वर अर्थात निषाद से जोड़ा है। इस प्रकार की क्रिया से हमें ओंकारनाथ ठाकुर जी का बिलावल सप्तक पूर्ण रूप से मिल जाता है। नेक्स्ट बिंदु है, क्रिया में श्रुति प्रयोग का कितना महत्व है। इस ओर आपने बहुत महत्व दिया है। सात शुद्ध स्वरों के अतिरिक्त हम विकृत स्वरों का प्रयोग करते हैं और सूक्ष्म श्रुति भी क्रिया में स्थान पाती है। प्राचीन काल में मूर्छना पद्धति में जिस प्रकार प्रत्येक श्रुति क्रिया में स्थान पाती थी, उसी प्रकार आज भी राग गायन शैली की परंपरा बनी हुई है। इन्होंने पंडित विष्णु दिगंबर जी की परंपरा का अनुकरण किया और उसको समझाते हुए अपने अन्य विकृत स्वरों की भी चर्चा की है। षड्ज और पंचम को ध्रुव या अचल स्वर माना, शेष स्वरों की विकृत अवस्थाओं को स्पष्ट किया। श्रुतियों की क्रिया में प्रयोग भारतीय श्रुतियों का क्रिया में प्रयोग भारतीय संगीत की मुख्य विशेषता है। इसी को समझाते हुए पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने कहा है कि रागों में जो स्वर प्रयुक्त होते हैं वे पारस्परिक स्वर संगति के कारण रागांग और क्रियांग के कारण अपना स्थान व राग रंग की निष्पत्ति कराते हैं। इसी तथ्य की विशद विवेचना इस प्रकार से है। पहला है, अति कोमल रेवेद है जिन स्वरों में प कोमल ध प या सा कोमल रे व सा, इस प्रकार के स्वर विन्यास प्रयुक्त होते हैं, वहाँ ध और रे अति कोमल स्थान के ही लग सकते हैं। नेक्स्ट, कोमल रे व ध राग भैरव में लगने वाले रे व ध कोमल होते हैं। थर्ड पॉइंट है, त्रिश्रुतिक रे। जब हम तानपुरे का पहला तार पंचम के स्थान पर मध्यम में मिलाते हैं तो गले के स्वाभाविक रूप से भी शुद्ध ऋषभ लगता है। नेक्स्ट, अति कोमल और कोमल गंधार। कोमल गंधार उसी को मानते हैं जो षड्ज से षड्श्रुति के अंतर पर हो, परंतु तोड़ी दरबारी जैसे रागों में षड्ज में पांच श्रुति दूर का गंधार लगता है। षड्ज से पांच श्रुति दूर का गंधार लगता है जिसे कोमल गंधार कहते हैं। नेक्स्ट है, तीव्र गंधार। तीव्र गंधार उसे मानते हैं जो शुद्ध गंधार से एक श्रुति ऊंचा हो, यह अधिकतर मध्यम में विलीन होने की क्रिया में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, तीव्र व तीव्रता मध्यम। आज हम जिसे तीव्र मध्यम कहते हैं वह शुद्ध से दो श्रुति अंतर पर स्थित है। वह शुद्ध से दो श्रुति अंतर पर है, परंतु अहोबल की परंपरा का पालन करते हुए तीव्र मध्यम शुद्ध मध्यम से दो श्रुति दूर है। ये दोनों ही मध्यम रागों में लग सकते हैं, जैसे राग ललित में शुद्ध मध्यम के बाद तीव्र मध्यम को लगाते हैं तब वास्तव में यह मध्यम शुद्ध मध्यम से एक ही श्रुति ऊंचा होता है, जैसे म में
माँ परंतु परंतु जब गहरेसा लेते हैं तब यह मध्यम शुद्ध मध्यम से दो श्रुति ऊंचा होता है। चतुश्रुति ध मारवा राग में जब पहला तार निषाद में मिलाया जाता है तब त्रिश्रुति धेवत के स्थान पर चतुर्श्रुति धेवत निकलता है। ज़्यादातर तीर मध्यम के साथ लगने वाला धेवत चतुर्श्रुति ही होता है। नेक्स्ट है अति कोमल व कोमल निषाद। मालकोंस में तानपुरे का प्रथम तार मध्यम में मिला होने के कारण अति कोमल निषाद का प्रयोग होता है, परंतु भीमपलाशी में जहाँ पंचम की प्रधानता है वहाँ कोमल निषाद ही निकलता है। नेक्स्ट है तीव्रतर मध्यम, तीव्रतम मध्यम व तीव्र निषाद। पंचम में एक श्रुति दूर तीव्रतम मध्यम है, पंचम से एक श्रुति दूर तीव्रतम मध्यम है और सा से एक श्रुति दूर पूर्व की ओर तीव्र निषाद है। ये स्वर नियम पूर्वक राग में मिलते हैं और शुद्ध निषाद से सरज में मिलते हैं, तब इन स्वरों का प्रयोग होता है। भारतीय संगीत शुद्ध विकृत स्वरों का इतिहास प्राप्त करने के पश्चात यह स्पष्ट हुआ कि भारतीय संगीत की शुद्ध स्वर विकृत स्वरों का इतिहास प्राप्त करने के पश्चात यह स्पष्ट हुआ कि हमारे क्रियागत संगीत की स्वर व्यवस्था भरत परंपरा के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई है, साथ ही उस अविच्छिन्न स्रोत से बिल्कुल भिन्न एक धारा ऐसे ग्रंथकारों की चली जिसके कारण संगीत में कुछ दुष्परिणाम हुए। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि दक्षिण को छोड़कर सारे भारत में भरत की श्रुति स्वर व्यवस्था भरत परंपरा के साथ चली आ रही है। भरत परंपरा के साथ अविच्छिन्न स्रोत से बिल्कुल भिन्न एक धारा ऐसे ग्रंथकारों की चली जिसके कारण संगीत में कुछ दुष्परिणाम हुए। दक्षिण को छोड़कर सारे भारत में भरत की श्रुति स्वर व्यवस्था क्रियात्मक संगीत में अक्षुण्ण रही है। हिंदू मुस्लिम गुणीजन अब तक समान रूप से उसी अविच्छिन्न धारा में आह्वान करते आए हैं जिस काल में शास्त्र की धारा भरत परंपरा से पृथक होकर बहने लगी। जो शास्त्रकार थे वे प्रयोग पक्ष से दूर होने के कारण लक्ष्य की संगीत नहीं रख पाए और जो कलविश थे वो अपनी परंपरा प्राप्त साधना में दृढ़ रहे तथा नूतन शास्त्र की रचना उनके प्रायोगिक संगीत से विपरीत होने के कारण उसकी अपेक्षा करते रहे। इस प्रकार कला और शास्त्र की खाई खाई गई किंतु शास्त्र के पथभ्रष्ट होने पर भी कला भरत परंपरा पर स्थित रही। कला पक्ष में भरत परंपरा के अक्षुण्ण रखने का श्रेय हमारे हिंदू मुस्लिम कलाकारों को ही है। भरत परंपरा में विच्छिन्न जो ऐसी शास्त्र की धारा चली जिसमें भरत की ही ग्रामीण स्वर व्यवस्था की वैज्ञानिकता सुरक्षित न रह गई
और जिसका प्रवर्तन चारंगदेव ने किया। उस धारा का उद्भव दक्षिण में ही अपेक्षाकृत अधिक होना स्वाभाविक या फलस्वरूप स्वाभाविक था। फलस्वरूप इस धारा ने भारत के दक्षिण पथ में शास्त्र के साथ साथ कला पक्ष को भी प्रभावित किया और इस प्रकार तमिल संगीत में प्रचलित हरि काम्बोजी, जो कि भरत के सरस ग्राम की मध्यम मूर्छना होने के कारण भरत परंपरा से दृढ़ रूप से संबद्ध है, उसकी स्वरावली का स्थान मुखारी मेल ने ले लिया। इन विद्वानों से भरत की द्विग्रामिक स्वर व्यवस्था पूर्णतः और सत्यता सिद्ध हो चुकी है। उसे यदि अपनाया जाए और मुखारी मेल के स्थान पर शंकराभरण यानी बिलावल या हरि काम्बोजी यानी खमाज की स्थापना की जाए तो बीच के काल की टूटी हुई श्रृंखला पुनः जुड़ जाएगी।